नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो MCB होती है अपनी, MCB ट्रिपिंग के कारण जो अपने इंडिकेटर लैंप जलते हैं उनका कनेक्शन कैसे किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। साथियों, अपनी MCB ओवरलोड शॉर्ट सर्किट के कारण जो ट्रिप हो जाती है, तो अपना जो बोर्ड होता है, मेन सप्लाई का बोर्ड होता है, वहाँ पर अपने को पता है रेड कलर की बत्ती जलने लग जाती है। जब अपन MCB को ऑन करते हैं तो ग्रीन कलर की बत्ती जलने लग जाती है। तो हम जो इंडिकेटर लैंप होते हैं उनका MCB के साथ किस तरीके से कनेक्शन किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं साथियों, जो अपनी डबल पोल MCB है आपको दिख रही होगी, इधर आपको जैसे इधर आप इनपुट लगाओगे इधर से आउटपुट निकलेगा आपका। ये आपके दो इंडिकेटर लैंप है जो आपको दिख रहे होंगे साथियों। इसमें दो टर्मिनल इसके अंदर होते हैं दिख रहे होंगे और दो इसके, तो इनमें मैंने रेड कलर का इंडिकेटर पर रेड कलर के वायर लगा दिए और अपना जो ग्रीन कलर का इंडिकेटर है उस पर मैंने ब्लू कलर के वायर लगा दिए। और साथ ही अपन ने जो ये कि 60 वाट का लैंप ले रखा है, इसको क्या अपन लोड मान लेंगे, क्योंकि अपने को पता है ओवरलोड होगा तो अपनी MCB ट्रिप होगी, या अपना लोड में कहीं शॉर्ट सर्किट दिक्कत आ जाएगी तो अपनी MCB ट्रिप होगी, और जब MCB ट्रिप होगी तो अपनी रेड कलर की बत्ती जलती है, और MCB को अपन ऑन कर देंगे उसके बाद में अपनी क्या ग्रीन कलर की बत्ती जलने लग जाएगी। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही देखेंगे कि जो अपनी इंडिकेटर लैंप होते हैं उनका MCB के साथ कैसे कनेक्शन किया जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ साथियों, अपन सर्किट डायग्राम बना के देखते हैं। मैं आपको हर वीडियो में यही बात बोलता हूँ कि अपने कोई भी कनेक्शन करना उससे पहले सर्किट डायग्राम बनाना ज़रूरी है। अगर आपको सर्किट डायग्राम बनाना आता है तो आप आसानी से भी प्रैक्टिकल कर सकते हो। तो मैं आपको सर्किट डायग्राम बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर ये अपना रफ कॉपी का पेज है, इस पर अपन क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले कि सर्किट डायग्राम बनाते हैं। सर्किट डायग्राम बनाने के लिए मैं एक MCB का चित्र बना देता हूँ नॉर्मल अपने को समझने के लिए। जैसे ही अपनी यहाँ पर मैं ये हो गई अपनी MCB, आपको पता है MCB में दो टर्मिनल इधर होते हैं इनपुट के, दो आउटपुट के, चार टर्मिनल दे रखे टोटल। अब इसमें अपने को क्या करना है, एक तो फेज देना है नीचे की तरफ, जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ आपको, तो ये हो गया अपना फेज और ये हो गया अपना न्यूट्रल, ये अपना न्यूट्रल हो गया। इस तरीके से अपन ने MCB से फेज और न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया। अपने को पता है आउटपुट में अपने को MCB से फेज और न्यूट्रल मिलेगा, तो अपना यहाँ से आपको जैसे साथियों अपने को यहाँ से अपने को न्यूट्रल मिल रहा है वापस, ये अपना न्यूट्रल हो गया, और यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, यहाँ से अपने को फेज मिलेगा वापस, ये अपना फेज मिल गया। और ये खंजा रहा है साथियों अपने, ये लैंप में अपना जो भी लोड लगा रखा अपन ने उसके अंदर चल जाएंगे, ये जो भी अपन ने वायर लगा रखे उसके अंदर अपना लोड है उसके अंदर चल जाएगा फेज और न्यूट्रल। तो मैं इसको फेज को फेज से कनेक्ट कर देता हूँ, जैसे अपना ये फेज को मैंने फेज से कनेक्ट कर दिया, और ये न्यूट्रल है अपना, इसको मैं न्यूट्रल से कनेक्ट कर देता हूँ, ये अपना लोड हो गया साथियों। ये अपनी MCB है, MCB हो गई, ये अपना लोड हो गया। अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले जो अपना इंडिकेटर होता है, जैसे मैं अपना ये ग्रीन कलर का इंडिकेटर है और ये अपने रेड कलर का इंडिकेटर है, तो अपने को पता है जो रेड कलर का इंडिकेटर अपने जो MCB ट्रिप हो जाएगी मतलब ऑफ हो जाएगी उस टाइम जलेगा, और ऑन होने पर अपना ग्रीन कलर का इंडिकेटर जलेगा। तो अपन इसका कनेक्शन करने के लिए क्या करते हैं साथियों, जो अपना ग्रीन कलर का इंडिकेटर है उसको क्या करेंगे अपन, जो अपना इधर ये न्यूट्रल दे रखा है इससे कनेक्ट कर देंगे एक वायर को। जैसे मैं आपको बना के दिखाऊँ, यहाँ से एक वायर लिया या इसी के अंदर से कनेक्ट कर देंगे अपन। मैं यहाँ से कनेक्ट करके इस तरीके से लेके मैं यहाँ पर इंडिकेटर बना देते हैं अपन। ये अपना इंडिकेटर है ग्रीन कलर का, इसको यहाँ से कनेक्ट करना है। और अपना ये जो दूसरा वायर बचा हुआ है इस इंडिकेटर का, उसका क्या करना होगा साथियों, अपने को जो ये फेज वाला वायर दे रखा अपन ने इसको यहाँ से कनेक्ट करना है। इस तरीके से कनेक्ट करना है, देखो साथियों अपने जो मेन सप्लाई है उसका न्यूट्रल वायर से देना है एक तो, और एक अपने को ऊपर फेज पे कनेक्ट करना जो अपना ग्रीन कलर का इंडिकेटर है। अब अपना रेड कलर के इंडिकेटर की बात करूँ, अपने रेड कलर के इंडिकेटर है इसमें भी दो वायर है,
रेड कलर का इंडिकेटर अपने को क्या करना साथियों, जैसे एक वायर अपनी यहाँ पॉइंट कनेक्शन किया है, इसी से कनेक्ट करना है। और मैं यहाँ पर रेड कलर का इंडिकेटर बना देता हूँ, ये हो गया अपना रेड इंडिकेटर। और अपने को क्या करना साथियों, जो इसको दूसरा वायर है उसको अपने को, जो अपना फेज वायर है, अपना फेज वायर दे रखा साथियों, इससे कनेक्ट करना है। तो मैं इसको यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ, इस तरीके से कनेक्ट करना होगा साथियों। ये अपना रेड इंडिकेटर हो गया और ये अपना हो गया ग्रीन इंडिकेटर, न्यून लैम्प भी बोल सकते हैं साथियों अपन। अब इसमें क्या होता है साथियों, जैसे भी अपन इसको सप्लाई देंगे, सप्लाई ऑन करेंगे, तो अपना ये वाला जो रेड इंडिकेटर लगा रखा है ये तो अपना क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। और अपना ये ग्रीन कलर का क्या हो जाएगा साथियों, ऑन हो जाएगा, अपना ये ऑन रहेगा और लोड काम करता रहेगा। जैसे अपनी MCB ट्रिप होगी या MCB अपनी बंद हो जाएगी, बंद होगी तो साथियों ये तो क्या हो जाएगा अपना ऑन हो जाएगा, जलने लग जाएगा अपना रेड इंडिकेटर। और ये क्या हो जाएगा साथियों, ये अपना ऑफ हो जाएगा या थोड़ा कम जलने लग जाएगा, थोड़ा धीमा हो जाएगा, कहने का मतलब। देखते हैं साथियों अपन कनेक्शन करके सर्किट डायग्राम के अनुसार, मैं आपको एक बार अच्छी तरीके से सर्किट डायग्राम और दिखा देता हूँ। इस तरीके से अपने को सर्किट डायग्राम बनाना है और इसी सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग अपने को कनेक्शन करना है। जैसे अपना ये अपना सर्किट डायग्राम हुआ, ये अपनी MCB हो गई। इस MCB में अपने को क्या करना साथियों, सबसे पहले अपने को जो MCB है उसमें अपने को सप्लाई का वायर कनेक्ट करने हैं। तो जैसे अपना ये एक रेड वायर है, इसको मैं इधर कनेक्ट कर देता हूँ और इसी के साथ में दूसरा वायर है जो न्यूट्रल का, उसको यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। और ये अपना हो गया लोड, इस लोड को तो, लेकिन साथ ही अपन इनके साथ इंडिकेटर का कनेक्शन भी कर देते हैं। जैसे अपना ये ग्रीन इंडिकेटर है, इसको मैं लैंप के साथ एक वायर और एक रेड कलर का इंडिकेटर है उसको भी लैंप के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि अपन ने सर्किट डायग्राम में दिखा रखा है। इस तरीके से कनेक्ट करने के बाद में अपन इसको क्या कर देते हैं, जो MCB के आउटपुट है उधर कनेक्ट कर देते हैं इन सबको। तो साथियों मैं एक बार इसका कनेक्शन करके दिखा देता हूँ आपको। साथियों मैंने जो अपन ने सर्किट डायग्राम बनाया था उसके अकॉर्डिंग मैंने कनेक्शन कर दिया। आप एक बार सर्किट डायग्राम देख लो अच्छे से। सर्किट डायग्राम में अपन ने क्या किया साथियों, नीचे की सड़क अपन ने पहले फेज और न्यूट्रल लगाई। जो अपन ने ये एक ग्रीन कलर का वायर है और एक रेड कलर का वायर है, अपन ने सप्लाई के फेज और न्यूट्रल इनमें दे दिए, जैसे अपन ने सर्किट डायग्राम में दे रखा। अपन ने जो रेड इंडिकेटर अपना उसका एक वायर अपन ने फेज के साथ कनेक्ट कर दिया, जो मैंने आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से अपन ने ये इंडिकेटर का एक वायर फेज के साथ कनेक्ट कर दिया। और अपन ने जो न्यूट्रल दे रखा अपना ग्रीन कलर का वायर न्यूट्रल मान रखा है, न्यूट्रल के साथ अपन ने जो ग्रीन कलर का इंडिकेटर है उसको कनेक्ट कर दिया, जो अपन ने यहाँ दिखा रखा है। ग्रीन कलर का इंडिकेटर सर्किट डायग्राम में अपन ने न्यूट्रल से कनेक्ट कर रखा है और रेड कलर के इंडिकेटर को अपन ने फेज से कनेक्ट कर रखा है। उसके बाद में साथियों अपने ग्रीन कलर के एक इंडिकेटर का सिरा बचा हुआ है और रेड कलर के इंडिकेटर का एक सिरा बचा हुआ है, इनको अपन ने क्या किया साथियों, यहाँ पर जो अपने MCV से आउटपुट में अपने लोड के लिए आउटपुट निकल रहा फेज, उस पर ये रेड कलर के इंडिकेटर का वायर, ये अपने ग्रीन कलर के इंडिकेटर का वायर और एक अपना लोड का वायर, इन सभी को कनेक्ट एक जगह जोड़ के अपन ने MCV है उसमें अपना जो फेज का आउटपुट निकल रहा है उससे कनेक्ट कर दिया, जो अपन ने सर्किट डायग्राम में दिखा रखा है। अब जैसे ही अपन साथियों इसमें सप्लाई ऑन करेंगे तो देखते क्या होता है साथियों। मैं इनको अभी ऑफ कर देता हूँ। अब मैं इसको ऑन कर देता हूँ। ऑन कर दिया साथियों, अपना लोड काम कर रहा है इस टाइम, अपना लोड काम कर रहा है। लोड काम कर रहा है तो देखो साथियों अपना रेड कलर का इंडिकेटर क्या हो रखा है, ऑफ है। और अपना ग्रीन कलर का इंडिकेटर आपको थोड़ा जल रहा है, दिख रहा होगा आपको साथियों, क्योंकि थोड़ा ये कम जल रहा है। अब अपन क्या करते हैं इसमें, जैसे ही अपन ऑफ करेंगे तो अपना ये रेड कलर का इंडिकेटर तो ऑन हो जाएगा, लोड बंद हो जाएगा, रेड कलर का इंडिकेटर अपना ऑन हो जाएगा और ग्रीन कलर का इंडिकेटर साथियों अपना क्या थोड़ा कम जलने लग जाएगा। तो अपन ऑफ करते हैं इसको, ऑफ करते हैं अपना, देखो साथियों लोड ऑफ हो गया लेकिन अपना क्या हो गया, जो रेड कलर का इंडिकेटर दे रखा है वो ऑन हो गया अपना और अपना ग्रीन कलर का इंडिकेटर कम हो गया है, थोड़ा कम जलने लग गया है। तो साथियों अपन MCV ट्रिप होती है जब क्या होता है, अपनी MCV है, MCV दो कारणों से ट्रिप होती है। एक तो अपना जो ओवरलोड हो जाता है, अपना लोड ओवरलोड हो गया तो अपनी MCV ट्रिप हो गई,
और ओवरलोड हो जाने पर अपनी एमसीबी क्या होती है साथियों, कुछ सेकंड के बाद में ऑफ होती है, और कुछ सेकंड के बाद में ऑफ होते अपना रेड कलर का इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। लेकिन जो अपनी शॉर्ट सर्किट होता है साथियों, जो शॉर्ट होगा अपना, तो शॉर्ट सर्किट पे क्या अपनी एमसीबी ऑन ही नहीं हो पाएगी तुरंत, जैसे अपन ऑन करेंगे तुरंत ही ऑफ हो जाएगी, जैसे ऑन करेंगे तुरंत ऑफ हो जाएगी। तो इस तरीके से अपना क्या हो जाएगा, रेड कलर का इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।